नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। कल टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राजनीति में हो रही उठापटक का विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। सभा कोई डेमोक्रेटिक अलायंस होता है तो उसमें तमाम मतभेद उभरते ही हैं, और यहाँ पे कोई मोदी जी वाली तराशाही तो है नहीं कि ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नहीं कह सकती या कांग्रेस पार्टी नहीं कह सकती। हालांकि ये जरूर है कि थोड़ा संयम के साथ चर्चा होनी चाहिए, असहमतियां भी संयम से दर्ज होनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी बंगाल में राजनीति कर रही हैं, ऑब्वियस है वो उनके भी नजर में है। इसके अलावा हर राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल पे दबाव भी बना रहा है। तीसरा, ममता बनर्जी के बारे में कुछ जो अंदरूनी सूत्र हैं वो भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दीदी थोड़ा दबाव में है। अभिषेक बनर्जी को लेकर के उनके उनकी वाइफ पर जो ईडी और सीबीआई का शिकंजा है, उसके जरिए भी नीतीश कुमार की तरह ममता बनर्जी को भी दबाव में लेने की कोशिश कर रही, और ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की संभावित हार को भी दिखा रहा है कि मोदी जी इस बात को महसूस कर रहे हैं। एक मुद्दे की तरफ तो आपने ध्यान आकर्षित किया कि कर्पूरी ठाकुर के बाद अचानक लालकृष्ण आडवाणी के नाम का उद्घाटन करना, और ये बात मेरी नहीं अभी समझ में आ रही है कि इस समय उद्घाटन करना और ये कब दिया जाएगा। बेहतर होता कि 22 23 24 जनवरी को ऐलान होता और 26 जनवरी को मिल भी जाता तो अच्छा होता, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ है कि लालकृष्ण आडवाणी, वो भी जो मोहम्मद अली जिन्ना के प्रशंसक रहे हैं, उनको भारत रत्न दिया जाना ये क्या कहता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी में कुछ अंदरूनी खेल चल रहा हो? सुब्रमण्यम स्वामी उधर तलवार खींचे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि बनारस से हम चुनाव लड़ेंगे मोदी के सामने, तो कोई आशंका तो नहीं है मोदी जी को? ये हम लोग थोड़ा सा संभावना दर्ज कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन खैर, उन्होंने आडवाणी जी को आज तक उस तरह से पब्लिकली सम्मान नहीं दिया था, शायद उसकी भरपाई है। कई बार अपमानित करते हुए दिखे आडवाणी जी को, लेकिन अब भारत रत्न देकर के वो भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो हिंदुत्व को लेकर के डर पैदा किया गया था, और मैं बार बार कहता रहा हूं कि बीजेपी हिंदुत्व के इशू को, उसके नैरेटिव को केवल डर पैदा करने के लिए उसको खेलती है। असली जो सामाजिक समीकरण उसका है, उसके जरिए ही वो चुनाव जीतती है। बंगाल की जो स्थिति है, बंगाल का भद्र वर्ग और माइनॉरिटी वोट, वो ममता बनर्जी के साथ रहा है, लेकिन एक जो बीच में बाई इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी, तब से ही ममता बनर्जी भी थोड़ा सा परेशानी में है, कांग्रेस को लेकर के आशंकित हैं। और इस समय माइनॉरिटी वोट हो या दलित वोट हो, ये दो को मैं देख रहा हूं जो बहुत टेक्टिकल वोटिंग करने के लिए उत्सुक दिखाई पड़ रहा है, और माइनॉरिटी में खास करके जो भी क्षेत्रीय दल हैं उनसे बेहतर विश्वास पात्र के रूप में कांग्रेस पार्टी दिखाई पड़ रही है। और इसलिए चाहे उत्तर प्रदेश हो, अभी तो उत्तर प्रदेश में वो पत्ते पूरी तरीके से बेपर्दा नहीं हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ चीजें दिक्कत कर सकती है। वही बंगाल में हाल है कि ममता बनर्जी को वो माइनॉरिटी वोट चाहिए, और उस माइनॉरिटी का इस समय ध्यान राहुल गांधी की तरफ है। वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात करने वाले राहुल गांधी जैसे ही बंगाल की तरफ जाते हैं, बंगाल में दाखिल होते हैं, ममता बनर्जी का ये बयान आता है। इसका मतलब है कि कांग्रेस की वहां जो जमीन मजबूत हो रही है बंगाल में, उससे भी कहीं ना कहीं चिंतित होंगी ममता बनर्जी। और दूसरा, जो दलित वोट बैंक है जिस पर नजर नरेंद्र मोदी की रही है, हालांकि ममता बनर्जी ने पिछले दिनों एक कार्ड खेला था जब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को दलित पीएम के रूप में ऐलान करने के लिए कहा था, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, तो वो जाहिर तौर पर जो मतुआ समाज है बंगाल का, उस पर उनकी नजर थी, क्योंकि दलित वोटर ममता बनर्जी के साथ नहीं रहा है बंगाल में, वो बीजेपी के साथ रहा, तो उसको थोड़ा सा आउटरीच करने के लिए। लेकिन ये जो मतुआ समाज है, जब आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो ऑब्वियस है वो नरेंद्र मोदी के साथ ना जा करके राहुल गांधी की बातों पर विश्वास करेगा, और इसलिए उस दलित वोट बैंक को खींचते हुए जो ममता बनर्जी देख रहे हैं, तो वो भी एक चिंता है कि राहुल गांधी की उस यात्रा में इतना हुजूम कैसे है।
जो लोग यहां से बैठ करके कह रहे हैं लखनऊ से कि राहुल गांधी की यात्रा तो असफल हो गई है, या वो जो मुख्यमंत्री थे हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने कितनी रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में लोगों का हुजूम बढ़ता ही जा रहा है। लगातार लोग राहुल गांधी से जुड़ने के लिए बेताब दिखाई पड़ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी की विश्वसनीयता आज के नौजवानों में, किसानों में, और जब वो सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं तो आदिवासियों में, आदिवासी को लेकर के अभी जो चल रहा है हेमंत सोरेन पर जो टिप्पणी की गोदी मीडिया के एक पत्रकार ने, FIR के लिए जगह जगह तहरीर दी गई है, तो जो स्थितियां बनी हुई है कि आप राष्ट्रपति को तो बनाते हैं आदिवासी, लेकिन आदिवासी समाज का अपमान करने के लिए आप रत्ती भर नहीं चूकते हैं, आदिवासियों के जंगल को अडानी साहब के हवाले करने से आप रत्ती भर नहीं चूकते हैं, वासुदेव का जंगल इस बात का गवाह है। तो इसीलिए ये जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें मोदी जी लगातार दबाव डाल रहे हैं उन राजनीतिक दलों पर जो कांग्रेस के साथ मिलकर के इंडिया अलायंस को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन अच्छा है कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया दी है, और यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में वो फूट पड़ने की गुंजाइश अब नहीं है, और वो मजबूती के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ेगा, और यही चीज मोदी जी के लिए मुश्किल पैदा करने वाली है। और इसलिए लगातार इधर उधर करना, लोगों को दबाव में लेना, फूट डालने की कोशिश करना, आडवाणी जी को अचानक वो गुरुदक्षिणा दे देना, ये सब चीजें चल रही हैं, और मुझे लगता है कि मोदी जी इस बात को भांप चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा भी इस बात की गवाह है कि कारवां आगे निकल चुका है, जन समर्थन मिल रहा है उनको। बिल्कुल आना चाहता हूं। निश्चित तौर पर ये खुली चुनौती है नरेंद्र मोदी के लिए कि आप कुछ भी कर लें, आप ईडी के पूरा टिड्डी दल छोड़ दें विपक्ष पर, और विपक्ष मुक्त भारत बनाने की जो आप कोशिश कर रहे थे उसमें राहुल गांधी से लेकर के तेजस्वी यादव तक, हेमंत सोरेन तक, और अभी संजय जी ने बहुत अच्छी बात की कि हेमंत सोरेन पर तो ईडी जिस तरह से उनको गिरफ्तार करती है, ये हिम्मत उनकी और जगह नहीं हो सकती, और जिसको मिली थी जमानतें मिली कई ऐसे लोगों को, प्रभावशाली लोगों को, लेकिन साहब एक आदिवासी को नहीं मिल सकती। लोकतंत्र को जिस तरह से बंधक बनाया है इन लोगों ने, वो दिखाता है कि राहुल गांधी सही रास्ते पर हैं। और राहुल गांधी, हम लोगों को जो ये समय देखना पड़ रहा है, कई बार हमें ये लगता है कि इस अन्याय के लिए, इस तानाशाही शासन के लिए हम लोग अभिशप्त हैं, लेकिन इसी दौर में हम एक ऐसे शख्स को भी देख रहे हैं जो इस पूरे तानाशाही सत्ता तंत्र को चीरते हुए धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोकतंत्र की एक रोशनी पैदा कर रहा है, एक उम्मीद की लौ पैदा कर रहा है, जो डरो नहीं का नारा दे रहा है, और जिस तरह का साइकोलॉजिकल माहौल बनाया गया, रोज बनाया जाता है, दो घटनाएं प्रायोजित की जाती हैं, डर पैदा किया जाता है, और लोगों को खामोश करने की जो लगातार कोशिश होती है उसके खिलाफ राहुल गांधी जिस तरह से डट करके खड़े हैं, और हम लोग गवाह हैं इस समय के, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जब ये इस समय का इतिहास लिखा जाएगा तो इसमें इस निराशा और नाउम्मीदी के बीच राहुल गांधी के इस पूरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, इन दोनों का जिक्र बहुत गोल्डन अक्षरों में किया जाएगा। तो राहुल गांधी खुली चुनौती दे रहे हैं कि आपको जो करना है, आपको लोगों को डराना है, CA NRC से डराना है, UCC से डराना है, या लोगों को जैसे मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में आपने जो झगड़ा पैदा किया, खुल करके राहुल गांधी कह रहे हैं, तो देश का विभाजन करना हो, उत्तर और दक्षिण के बीच आपको लड़ाई करनी हो, संघवाद पर हमला करना हो, और सबसे ज्यादा इस देश के मिडिल क्लास पर, गरीब लोगों पर हमला, ये नोटबंदी क्या था, गरीबों पर हमला था, GST क्या है, इस देश के सभी व्यवसायियों पर हमला है, किसानों को के साथ तो जो नरेंद्र मोदी ने किया उसे कौन नहीं जानता है, 750 किसानों की शहादत हुई, उसके बाद आपने केवल वो वापस लिए, और आज भी जो वादे किए थे वो आप पूरे नहीं हुए। तो ये सरकार तो लगातार हमले कर रही है, अन्याय वो एक थोड़ा सोफिस्टिकेटेड शब्द है, मैं उसको थोड़ा और ब्लंटली बोल रहा हूं कि ये हमले थे दलितों पर ऊना से लेकर के और हाथरस तक जो हुआ, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में 150% से ज्यादा
दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई और महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो तो दुनिया देख रही है उसको। मणिपुर में जो हुआ, बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, महिला पहलवानों के साथ हुआ, इससे ज्यादा भयानक कभी आप देख सकते हैं क्या? क्या आप उसके बारे में सोच सकते हैं? ये कभी नहीं हो सकता है। तो चाहे इज्जत पर हमला हो रहा हो, उस पर अन्याय हो रहा हो, लोगों के पेट पर हमला हो रहा हो, लोगों के पीठ पर हमला हो रहा हो, या उनके पूरे भविष्य पर हमला हो रहा हो, ये क्या है? आप स्कूल बंद कर दे रहे हैं, 5 किलो राशन की आपने लाइन में लगा दिया, इसको सामाजिक न्याय कहते हैं क्या? ये है सामाजिक न्याय कि आप 5 किलो राशन की लाइन में लगा दें? राहुल गांधी इन सब पर बात कर रहे हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब टू मच हो गया, बहुत आपने लोगों को गुमराह किया, आपने लोगों से वादे किए थे और लोगों ने उन पर भरोसा किया। इस देश के लोग जितने भोले भाले हैं उतने ही लोग निडर हैं और खड़े होकर के उसका जवाब भी देते हैं। तो नरेंद्र मोदी अब अपने दिन गिने, ये मुहावरा है, दिन गिनने का मतलब है कि अब अंत समय आ गया है। तो बीजेपी की सत्ता का ये अंत समय आ गया है और राहुल गांधी ने इसको लिख दिया है और मुझे लगता है कि ये खुली किताब होगी। ये इबारत है देश के जनता के, लोगों के, उनके एहसासों की कि अब मोदी जी बस बहुत हो गया है, आपने जो इस देश को दे दिया है, जो आप चाहे पत्रकारिता में देख लीजिए, लोकतंत्र के सूचकांक में आप देख लीजिए, आप असमानता के सूचकांक में देख लीजिए, अडानी आप दिन रात दिन उनकी धन संपत्ति बढ़ रही है, वो धन्ना सेठ हुए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ गरीब लोगों की बाढ़ आई हुई है। और जो आप बड़ी हिम्मत के साथ और बड़े उसके साथ कह रहे हैं कि हमने देखिए 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, ये क्या है? ये न्याय है क्या? या आप केवल और केवल इस देश के लोगों पर लगातार हमले कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं? उनके पास कॉपी किताब क्यों नहीं है? उनके लिए स्कूल क्यों नहीं है? उनके लिए अस्पताल क्यों नहीं है? उनको नौकरी कब मिलेगी? सवाल तो ये है, आज खड़गे जी ने बोला ना कि 90 लाख नौकरियां खाली हैं, लेकिन आप भर्ती नहीं कर रहे हैं। और इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये जो दलित पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, इनको सरकारी नौकरी कहीं ना मिल जाए, यहां तो पीढ़ी सुधर सकती है। लेकिन आपकी मानसिकता वही है कि आप न तो सामाजिक न्याय होने दें न राजनीतिक न्याय, वो तो सब सवाल ही नहीं है। मोदी जी के अलावा किसी कैबिनेट मंत्री को बोलने की हिम्मत नहीं है, इससे ज्यादा राजनीतिक तानाशाही कभी नहीं हुई। आर्थिक अन्याय जो हो रहा है किसान मजदूर से लेकर के और जो तमाम इस देश का मिडिल क्लास तो चरमराया हुआ है, पूरी तरीके से बोल नहीं पा रहा है। सरकारी जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो खामोश हैं, भयंकर डरे हुए हैं। तो राहुल गांधी की जो आवाज है उस आवाज के साथ लोगों में विश्वास बहाल हो रहा है और इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो आने वाले चुनाव में वो विश्वास दिखाई पड़ेगा, इसलिए वो अपने दिन गिने। उनके दिन अब नजदीक आ रहे हैं जाने के, ये अंतकाल का समय। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।